गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सबसिक्वेंट पार्ट ऑफ साइंस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेल्थ एंड डिजीज। डियर स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज डिजीज, व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो लर्न व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज। नाउ देयर आर सम अदर डिजीज व्हिच आर नॉट इन्फेक्शियस इन द नेचर। अबाउट दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पार्ट। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ आवर टॉपिक, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स, मीन्स दोज इन्फेक्शन विच मेनली स्प्रेड ड्यू टू द एनिमल्स इन द ह्यूमन बींग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द रैबीज। नाउ फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू अवेयर दैट दिस इज अ डिजीज विच इज मोस्टली स्प्रेड थ्रू द डॉग्स, मंकी, कैट, बट वी ओनली नो अबाउट द डॉग्स, बट वी डोंट नो इट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कैट, मंकीज, ओके, रैबिट, ठीक है। तो ये ऐसी बीमारी है जो कुत्तों से, ठीक है, बिल्लियों से, बंदरों से भी होती है, ठीक है। आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग अपने घर के अंदर पेट्स रखते हैं, पेट्स मतलब पालतू जानवर रखते हैं, लेकिन उनको टाइम टू टाइम इंजेक्शन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी पे या जो उनके जो टीथ होते हैं उस पर कुछ वायरस होते हैं, और समटाइम्स जब हम उनके साथ प्ले करते हैं या खेलते हैं, बाई मिस्टेक उनके दांत लग गए या उनके नाखून से स्क्रैच हो गया, तो देयर मे बी अ चांसेस दैट वी मे अफेक्टेड बाय द वायरस व्हिच इज नोन एज रैबीज, मतलब इस इन्फेक्शन से हम अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, दिस इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज मीन्स व्हाट? दिस इज अ डिजीज विच स्प्रेड थ्रू द वायरस एंड इट्स ओकर्ड ड्यू टू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। मोस्टली ये जो डॉग हो गए, रैबिट हो गए, मंकी हो गए और कैट हो गए, इनके बाइट करने के वजह से होता है। और जब ये बाइट करते हैं तो क्या होता है? वायरस एंटर द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स, हमारे ब्लड के अंदर न्यूरॉन्स होता है, और जब ये बाइट करते हैं तो ये वायरस क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स में जाके मिलते हैं और वहां से वो पास होते थ्रू होते होते ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं, हमारे ब्रेन में जाते हैं, और उसके बाद कुछ समय के बाद हमको उस बीमारी की सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। ओके, इसलिए कभी भी ये काटे को नजरअंदाज मत करो। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। सबसे बड़ी इस बीमारी की पहचान क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या? इसमें जिस व्यक्ति को भी ये सिम्टम्स हुआ होगा उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगेगा, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है सिम्टम्स। In this case, the victim showed the extreme fear for the water. Just now I told you, कि पानी से उसको बहुत ज्यादा डर लगेगा। Rabies is the fatal disease. Fatal disease means what? It's जानलेवा disease है। अगर हमने सही समय पर इसका इलाज नहीं करवाया तो जान भी जा सकती है, बट हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल है। अगर हमें पता चल गया है कि किसी मंकी ने या रैबिट ने या कैट ने हमें बाइट किया है, तुरंत हमें प्रिकॉशनरी मेजर उठाना चाहिए। देखिए, However, the fatality can be prevented by the timely vaccination before onset of the symptoms. इससे पहले ये बीमारी हमारे ऊपर हावी हो, इसके कुछ सिम्टम्स हमारे अंदर आए, हम टाइमली क्या कर सकते हैं, इसका वैक्सीनेशन आता है, एंटी रेबीज इसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी कभी सुना भी होगा, आपके फ्रेंड में को या किसी अगल बगल को कुत्ते ने काटा हो, वो बीएमसी में जाते हो, एंटी रेबीज की सुई लेकर के आते हैं। ये इसका सबसे बेस्ट मेजर है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। The symptoms start to appear within the 90 days to 175 days of the dog bite. Dear student, if a dog is bite by somebody, the its symptoms do not represent on the spot. It do not show the symptom on the spot. In fact, mostly it shows its symptom after 90 days to 175 days. Mean after 90 days means what? More than 3 months. 3 महीने से ज़्यादा, और 175 डेज मतलब 6 महीने के अंदर भी इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो आना चालू होते हैं। ऑन द स्पॉट कुत्ते ने काटा तो हमको उसके सिम्टम्स तुरंत नहीं मालूम पड़ते, इसके सिम्टम्स हमारे बॉडी में शो होने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं, जब ये वायरस पूरी तरह से हमारे बॉडी को क्या कर लेते हैं, अफेक्टेड कर लेते हैं। इसलिए हमें इस बीमारी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओके, थोड़ा सा भी नाखून स्क्रैच हुआ या दांत उसकी लगी, ब्लड आया, हमें तुरंत क्या करना चाहिए, इसका इंजेक्शन लेना चाहिए। Now, symptoms of the rabies. Rabies के symptoms क्या है? Fever for 2 to 12 weeks. कम से कम 2 से 12 हफ्तों तक इसमें बुखार होता है। Agitation in the behavior. सामने वाला जो व्यक्ति होता है जिसको डॉग ने बाइट किया है, जब 3 महीना बीत जाते हैं तो उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन हो जाता है, छोटी छोटी बात को चिड़चिड़ होने लगता है।
एंड हाइड्रोफोबिया जो मैंने पहले बताया आप लोग को, पानी से उसे क्या होता है, बहुत डर लगता है। नाउ कम टू आवर सेकेंड टाइप, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज मीन्स व्हाट, दो डिजीज डू नॉट स्प्रेड थ्रू द वायरस, और यू कैन ऑल्सो से विद द हेल्प ऑफ बॉडी कॉन्टेक्ट, जो बॉडी कॉन्टेक्ट से या वायरस से नहीं फैलता है, इसे हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। तो इन्फेक्टियस डिजीज किसे कहते हैं, हमने ऑलरेडी लास्ट पार्ट में पढ़ा है, जो वायरस के थ्रू फैलता है। तो ये क्या है, वायरस के थ्रू नहीं फैलता है। डिजीज विच डू नॉट ओकर टू द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से नहीं होता है, एंड बॉडी कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। ये क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं, क्योंकि ना तो ये वायरस से फैलते हैं, ना तो ये बॉडी कॉन्टेक्ट से फैलते हैं। ह्यूमन बॉडी इट्सेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन, मतलब ह्यूमन के बॉडी में ये जो ये डिजीज होता है अपने आप एलाइज हो जाता है कुछ कारण के वजह से, अपने आप तो होगा नहीं, जरूर हमारी कुछ कमी होगी, उस कमी के वजह से ये डेवलप होता है। तो इन दैट लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज कैंसर। कैंसर देखो, पहली बार कैंसर आप लोग ने बहुत जगह नाम सुना होगा, कुछ लोग गुटके के पैकेट पे भी देखे रहेंगे, टीवी पे भी फ्रीक्वेंटली एड आता है कैंसर, मतलब गुटका खाने से, अल्कोहल वाली चीजें पीने से, ठीक है, टोबैको खाने से, लॉन्ग टाइम खाने से क्या होता है, कैंसर होता है। आप लोगों ने चार्ट देखा होगा, तो उसमें कोई एक सड़ा सा चेहरा दिखाता है, वो बॉडी का स्ट्रक्चर कितना है अनकंट्रोल दिखाई देता है, ठीक है। तो अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर, मतलब जो हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं, जब उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, और एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल पोजिशन होता है उससे वो हटके दिखने लगता है, ग्रो करने लगता है, तो हम कहते हैं कि कैंसर हुआ है। और इसमें क्या होता है, ग्रुप और लम्स ऑफ द कैंसर सेल इज कॉल्ड एज अ मैलिजेंट ट्यूमर। इसमें जिस बॉडी में जिस पार्ट में कैंसर डेवलप होता है, वहां पे जो पूरे ग्रुप होते हैं सेल के, या तो आपस में मिलकर मैलिजेंट बना लेते हैं, या तो एक लम्स एक गार्ड जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैंसर का ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है, मैलिजेंट ट्यूमर भी बोलते हैं हम लोग। आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा उसके ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ये क्या है, एक तरह का कैंसर ही है, ठीक है। तो कैंसर एक तरह बहुत तरह के होते हैं, देख सकते हो। कैंसर कैन ओकर इन द वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, कैंसर बहुत जगह पे होता है, जैसे फेफड़ों में होता है, लंग्स में, माउथ में भी होता है, बराबर, जो लोग माउथ होता है मुंह में और जीभ में, जैसे कुछ लोग सूती तब टोबैको गुटखा ज्यादा खाते हैं, तो यहाँ पे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टोमक पेट में भी होता है, जो महिलाएं होती है ब्रेस्ट, उनके ब्रेस्ट में भी होने के कैंसर ज्यादा होता है। यूट्रस, जो लेडीज के यूट्रस होते हैं, गर्भाशय होते हैं, उसमें भी कैंसर होता है, स्किन में भी होते हैं, एंड टिश्यू लाइक अ ब्लड, ब्लड में भी कैंसर हो सकता है। तो कैंसर का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होता, कैंसर बहुत जगह हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द रीजन अ पर्टिकुलर पर्सन डेवलप अ कैंसर, एक व्यक्ति कैंसर के वजह से क्यों उसके बॉडी में डेवलप होता है, उसके रीजंस क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड एज कंजप्शन ऑफ टोबैको। सबसे मेन चीज है टोबैको, लंबे समय तक टोबैको खाना, जिसे हम सूती कहते हैं, गुटखा खाना, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल मतलब अल्कोहल वाली चीजों का लंबे समय तक सेवन करना, मतलब उसको यूज करना, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, जो हमारे खाने होते हैं जिसमें हम लोग फाइबर, आज का तो जमाना आप जानते हो 21st सेंचुरी में हम लोग ज्यादातर हम किस पे विश्वास दिखाते हैं, फास्ट फूड में, जो हमारे खाने में फाइबर होना चाहिए, फाइबर मतलब क्या, फ्रूट्स होने चाहिए और लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली जो सब्जियां होनी चाहिए, जो हम उसको नहीं खाते। कितने लोग उसमें से आप लोग भी होंगे जब देखते रहोगे पत्ते वाली सब्जी, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ठीक है। तो ये सारी जो आदतें होती है, ठीक, तो अगर हम ये चीज नहीं खाते तो हमें जो हमारे बॉडी के अंदर फाइबर कंटेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, एक ये भी कारण है। इन फूड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द जंक फूड, जंक फूड मतलब आपके पिज्जा बर्गर चाइनीज, जो आप अगर जरूरत से ज्यादा खाते हो, कंजप्शन ऑफ द जंक फूड पिज्जा बर्गर आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजंस, ये बहुत सारे ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं जो क्या है, कैंसर को आगे जाके जन्म देते हैं। तो हमें जहां तक हो सके इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और हमें जो लीफी वाली वेजिटेबल्स है, या हमारे आप कह सकते हो कि लीफी वेजिटेबल के साथ जो फ्रूट्स है, ठीक है, घर की जो नॉर्मल चीजें, हमें उस पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जहां तक हो सके टोबैको गुटखा, ठीक है, अल्कोहल वाली चीजों का हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रीजन यही सब है कैंसर के, ओके। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करें तो हम कैंसर को क्या कर सकते हैं, मात दे सकते हैं। नाउ सिम्टम्स क्या है कैंसर का,
क्रॉनिक कफ, पहली बात तो जिस व्यक्ति को भी कैंसर होता है उसे बहुत ज्यादा पहले कफ होती है, साथ ही साथ में हॉर्स वॉइस, उसकी आवाज बैठ जाती है, एंड डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग, अगर गले में या मुंह में अगर कैंसर हुआ है तो उसे कोई भी चीज निगलने में, ठीक है, बहुत परेशानी होती है, डिफिकल्टी, इनक्यूरेबल स्कार्स एंड इन्फ्लेमेशन, जहां पे भी कैंसर होता है उस जगह पे जख्म ज्यादा हो जाती है और इन्फ्लेमेशन, और उसमें जलन बहुत ज्यादा होती है, ये भी इसके एक सिम्टम्स है। लम्स इन द ब्रेस्ट, छाती के अंदर क्या हो जाते हैं, गांठें बन जाती है, एंड अनएक्सप्लेन वेट लॉस, और उस व्यक्ति की जो वेट है वो आप बता नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा एक ही बार में गिर भी जाती है। ये कुछ ऐसे रीजन है जो कैंसर को मतलब शो करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कैंसर हुआ है। जैसे आप भी कभी कभी डॉक्टर के पास जाते रहोगे, डॉक्टर को लगेगा कि आपके बॉडी में पर्टिकुलर चीजें कम हो गई है, या आपके ब्लड में अगर देखा जाए तो कुछ भी विटामिन की कमी हो गई, तो डॉक्टर आपको कैसे उस सिम्टम आप जब बताते हो, कोई तो डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं ये रिपोर्ट देता हूँ, आप लिख करके देता हूँ और आपको ये रिपोर्ट करवा के दो दिन के बाद मिलेगी। क्यों? कुछ आपने सिम्टम बताया कोई ना, तो उसी तरह कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर डिजीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सेकेंड वन, डायबिटीज। डायबिटीज तो ऐसा है कि आपको बताने वाला चीज नहीं, आप अगल बगल कहीं ना कहीं सुने रहोगे, या आपके भी घर में दादाजी को या दादी को, नाना नानी किसी को तो डायबिटीज हुआ ही होगा, ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज एक ऐसा एक फैक्टर हो गया है कि लगभग हर बुजुर्ग में 10 में से 4 व्यक्ति को तो डायबिटीज हुआ ही है। अब डायबिटीज होता क्या है डियर बच्चों, कि हमारे ब्लड के अंदर जब हम कोई भी खाना खाते हैं या हम कोई भी चीजें खाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर शुगर, ये शुगर लेवल जैसे बढ़ता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमारी पैंक्रियास होती है, उस पैंक्रियास में से एक सिक्रेशन क्या होता है, रिलीज होता है, जो इस शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ओके, उस सिक्रेशन को हम इंसुलिन बोलते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में जो आपका पैंक्रियास है वो पैंक्रियास उतना इंसुलिन मतलब डेवलप नहीं कर पाता है, सीक्रेट नहीं कर पाता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाए, और उसका रीजन क्या होता है, आपके ब्लड में शुगर का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, तो सेम पर्सन ही अफेक्टेड विद डायबिटीज, हम कहते हैं कि फला फला व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज का मतलब उसके पैंक्रियास में इंसुलिन नहीं बन रही। आपने कभी कभी सुना भी होगा किसी को डायबिटीज हुआ है तो उस व्यक्ति को इंसुलिन की सुई लगती है, ये रीजन है इसका कि उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो देखो द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन द पैंक्रियास कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होते हैं और ग्लूकोज होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, इंसुलिन जिसे बोलते हैं, जो पैंक्रियास से डेवलप होता है वो रिलीज करती है हमारी बॉडी। इफ इंसुलिन सिक्रेटेड इन द लो क्वांटिटी, लेकिन अगर मानो हमारी पैंक्रियास ने इंसुलिन लो क्वांटिटी में सिक्रेट किया, द ग्लूकोज लेवल कांट बी कंट्रोल, तो आप बताओ जब यहाँ पर उतना ज्यादा जितना हमारी बॉडी को जरूरत है उतना इंसुलिन नहीं डेवलप कर पा रही है हमारी पैंक्रियास, तो क्या वो शुगर लेवल कंट्रोल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज, जब यही डिसऑर्डर हो जाता है तो हम कहते हैं क्या हो गया है, डायबिटीज हो गया। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट अ नाइट, जिस व्यक्ति को भी डायबिटीज है उसे रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, शौच में जाना पड़ता है उसे। दूसरा उसका इंक्रीज ऑबेसिटी और वेट लॉस, या तो उस व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या तो उस व्यक्ति का वजन बहुत कम हो जाता है, ये भी उसका सिम्टम्स है, ठीक है, किसका, डायबिटीज। अब रीजन फॉर डायबिटीज क्या है, सबसे बड़ी बात की ये किस वजह से डायबिटीज होता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कभी कभी जो हमारे माँ बाप है, हमारे दादा दादी है, तो जिसको हम अनुवांशिक बोलते हैं, कि माँ बाप से भी क्या होता है, बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसलिए हेरिडिटी। कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है, बट हमारे मम्मी पापा में से किसी एक को डायबिटीज है तो बाय हेरिडिटी हमारे अंदर भी क्या होती है, सेम डिजीज पास हो जाती है। सेकेंड है ऑबेसिटी, अगर हम बहुत ज्यादा मोटे हैं तो भी हमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हम जैसे जानते हैं कि हम आज भाग दौड़ की जिंदगी में, लेकिन ऐसे समय में भी जाकर के जब हम जंक फूड खा रहे हैं, एक्सेसिव हम तेल मसाले वाली चीजें खा रहे हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो एक ये भी रीजन हो सकता है डायबिटीज होने का। एंड मेंटल स्ट्रेस, और वो लोग जो बहुत ज्यादा अपने दिमाग पर दबाव देकर के काम करते हैं, मेंटल स्ट्रेस रखते हैं, तो उन्हें भी चांसेस है कि डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स, अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते लेकिन हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, अगर हम सही से खाना खा रहे हैं जैसे डॉक्टर ने बताया है, मेडिसिन ले रहे हैं हम लोग डॉक्टर के,
मतलब कहे अनुसार एक्सरसाइज मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर ने जो हमें मतलब एक्सरसाइज बताया है डायबिटीज के लिए, अगर हम क्या कर रहे हैं प्रॉपरली वो सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर ने जो हमें फिजिकल एक्सरसाइज बताया अगर हम वो कर रहे हैं, तो हैज टू कीप द डायबिटीज अंडर कंट्रोल। ये सारी चीज़ें डायबिटीज को क्या कर सकती है, कंट्रोल में रख सकती है, लेकिन पूरी तरह से टेस्ट में जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके आगे का जो और भी कुछ मतलब नॉन इन्फेक्टेड डिजीज है जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।